सो हे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं बाइक राइड पे। तो बहुत दिनों से हमने हमारी बाइक चलाई नहीं है, यहीं पे खड़ी है। तो मेरा बहुत मन कर रहा था कहीं पे जाने का राइड पे, बाइक पे। तो हाँ, आज सुबह सुबह उठे और रेडी हो गए। तो चलो फिर अब निकलते हैं आज की बाइक राइड पे, बहुत दिनों के बाद। तो निकाल ली है हमने बाइक बाहर। गाइस देखो यार, क्या लगती है ड्यूक, इसकी लुक तो मुझे बेस्ट लगती है यार। निकल पड़े हैं। और गाइस आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे, जहाँ पर मैं आज तक खुद नहीं गया। मैंने बहुत बार फोटोज वीडियोस में देखा है बस, तो आज फर्स्ट टाइम जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो बने रहना वीडियो में। तो अभी हमने कर लिया है हमारा आधा रास्ता कवर और देखो हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये सामने आपको दिख रही है ना दीवार टाइप की, पिलर टाइप के, ये बनाए हैं ब्रिटिश लोगों ने और ये 100 ईयर से भी ज़्यादा ओल्ड है। हमें जाने यहाँ से भी काफ़ी आगे, लेकिन हाँ ये रास्ते में आया तो मैंने आपको दिखा दिया। गाइस अभी ना एक दिक्कत हो गई, मेरे बाइक के पीछे की नंबर प्लेट देखो यहाँ से निकल गई है। ये बहुत आवाज़ कर रही है जब बाइक चल रही है ना, ये देखो इस तरह से। तो इसको निकालना पड़ेगा यार, बहुत इरिटेटिंग आवाज़ आ रही है। कैसे निकालूँ इसको मैं, निकल जा निकल जा भाई, ये निकल भी नहीं रही, क्या करें। अरे यार निकल गई, इसको डालते हैं बैग में, अब लगवानी पड़ेगी ये बाद में। चलो भाई। गाइस क्या वाइब आ रही है यहाँ पे आके, भाई देखो आप कितनी प्यारी जगह है, वाओ। गाइस रास्ता पूरा जंगल का है यार, देखो हम फिलहाल पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं। और पता है मेरे को यहाँ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या रास्ता है, कैसे जाना है। मैं सब पूछ पूछ के आया हूँ लोगों से, बस ये रास्ता सही हो और हम पहुँच जाएँ। भाई रास्ता देखो यहाँ पे, सच्चे में यार रास्ता बहुत ख़राब है, पूरा लैंडस्लाइड ही लैंडस्लाइड, पत्थर ही पत्थर। गाइस वापस चले क्या? फाइनली पहुंच चुके हैं हमारी लोकेशन पे। तो गाइस यहाँ पे है देखो बहुत ही ज़्यादा पुराना चर्च, ये भी बनाया है ब्रिटिश लोगों ने बहुत पहले। वो देखो वहाँ पे लिखा है ये कब बना था, 1935 में। गाइस सोचो यहाँ पे आए थे ब्रिटिश लोग और उन्होंने ये चर्च बनाया यहाँ पे आके पहाड़ के ऊपर इतनी। तो मेरा बहुत टाइम से मन था यहाँ पे आने का, एक बार आने का, एक बार देखने का इस जगह को, और आज फाइनली आ ही गए। बहुत लोग की मैंने यहाँ की वीडियोस देखी थी, फोटोज देखी थी इस चर्च की, हल्द्वानी के काफ़ी लोग यहाँ पे आते रहते हैं, तो आज हम भी आ गए, हमने भी देख लिया। लेकिन जो भी है यार, जगह बहुत ही प्यारी है, सुंदर है और रिलैक्सिंग है। तो चलो अब चलते हैं वापस घर की ओर, काफी देर यहाँ बैठे बहुत ही सही लगा। बाकी चर्च ना अभी बंद है, वरना हम अंदर से भी देखते कैसा है, बट कोई बात नहीं, चलो कभी और आएंगे नेक्स्ट टाइम, फिर देखेंगे। ये खुलता है शाम को, शाम के टाइम पे। बाकी पहाड़ों में ना ऐसे चर्च होते नहीं है यूजुअली, बहुत ही कम मिलेंगे आपको, मोस्टली मंदिर ही मिलेंगे। बट यहाँ पे ये चर्च है तभी ये इतना फेमस है और यहाँ बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए इसको। तो हाँ हमने भी देख लिया। चलो फिर अब चलते हैं, हमें जाना है अभी बहुत दूर, यहाँ से हमें लगने वाले हैं अराउंड 1.5 से 2 घंटे घर पहुँचने में। तो चलो गाइस मैं अभी घर ही जा रहा था, ये देखो मुझे रास्ते में क्या दिखा भाई, यहाँ पे देखो पटाखे ही पटाखे। भाई चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको, ये देखो भाई चारों तरफ यहाँ पे पटाखे ही पटाखे मिल रहे हैं, इतने सारे पटाखे हर तरह के हैं। ये देखो यहाँ भी पूरे भरे हुए हैं बम्ब ऊपर से नीचे, ये है पत्थर बम, कुछ यूनिक बम है, यूनिक टाइप के। ये बलून बम है, मैजिक बम है, बलून निकलता है इसमें से। हाँ। एक ही विस्लिंग पाइप है, सीटी बजाते हो ऊपर को जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 16 दुकान टोटल है, 16 दुकान भाई। गाइस ये ले ले, ये देखो बंदूक छोटी वाली, ये मिसाइल, ये मिसाइल है। अच्छा ये लगती है इसके आगे, हमने गाइस ये बंदूक ले लिया, ये वाली देखो छोटी सी। गाइस हमारी सोसाइटी के पास ना एक बहुत बड़ी स्टॉल है बम की, जहाँ से हमने लिए थे अब की बार। तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ वहीं मिलते होंगे बम इतने सारे, बट यहाँ पे उसके 10 गुना ज़्यादा बम हैं। लेकिन गाइस मुझे शौक़ नहीं है बम फोड़ने का, अब वो इंटरेस्ट नहीं रहा पहले वाला। भाई बचपन में बहुत ही फोड़े हैं बहुत ज़्यादा बम, शायद हम बड़े हो गए इसलिए ऐसा होता है।
लेकिन कुनाली और पीयूष ना बहुत छोटे हैं, उनका बहुत मन करता है फोड़ने का। लेकिन जो भी हो, वो हमारे बचपन के सुनहरे दिनों को सोच के इतना अच्छा लगता है ना भाई अंदर से, मतलब कैसी एक्साइटमेंट होती थी खतरनाक वाली यार। यार वो दिन बहुत बेस्ट थे गाइस। देखो ये रही हमारे घर के पास वाली दुकान जहाँ बम मिलते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे सिर्फ ये एक दो स्टॉल। ये देखो यहाँ कौन से बम है, RRR KGF भाई मूवी के नाम रखे हुए हैं। ये सारे स्काई शॉट हैं यहाँ पे सारे। ये 30 वाले हैं, ये 60 वाले हैं। यहाँ देखो भीड़ कितनी है भाई। चलो गाइस एक चक्कर मारते हैं हमें लेना तो है नहीं, बस चक्कर मारते हैं ऐसे ही। ये देखो यहाँ पे मुर्गा छाप। गाइस अब तो पटाखे देखने में ही मज़ा आता है, बस बजाने में नहीं आता, बस देखने में आता है। ये देख के ना वो सब दिन याद आते हैं बचपन के हमारे। चलो चलते हैं फिलहाल घर, अब सीधा पहुंच चुके हैं सोसाइटी। और हाँ गाइस, सबसे प्यारी चीज़ तो है सोसाइटी हमारी, क्या लग रही थी रात को लाइटों में, आपको दिखाएंगे भाई अंधेरा होने के बाद। पहुंच चुके हैं घर और आज तो गाइस मस्त राइड हो गई हमारी 4-5 घंटे की। 2 hours later तो अभी टाइम हो चुका है शाम के 4 और अभी जा रहे हैं हमारे नए घर को देखने के लिए। तो मैं रोज़ वहाँ पर जाता हूँ, एक चक्कर मार के आता हूँ, देखता हूँ कितना काम हो गया, क्या चल रहा है, देख के अच्छा लगता है यार। ये रहा गाइस हमारा घर सामने, देखो ये देखो साइड से अब घर कितना बड़ा लग रहा है। पहले सिर्फ इतना बना था, फिर उतना बना, फिर उतना बन गया भाई, अब धीरे धीरे पूरा बन जाएगा। गाइस अब बनेंगे यहाँ पे रूम, सबके रूम बन रहे हैं बाद में, पहले लेंटर डल गया, अब रूम बनेंगे। एक रूम यहाँ आएगा, एक रूम यहाँ, पीछे आएंगे 2-3 रूम और सेम इसी तरह से इसके ऊपर भी आएंगे रूम। अब चलते हैं ऊपर यहाँ से, चलो खतरों के खिलाड़ी। भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, ये देखो हमारी छत से नजारा। बाकी लास्ट में यही कहूंगा कि मतलब ये सब देख के ना इतनी खुशी होती है ना अंदर से, क्या बताऊँ आपको, मतलब बयान नहीं कर सकते यार। घर तो बहुत बड़ी चीज है ना, ड्रीम होता है सबका, तो घर बन रहा है हमारा फाइनली यार, बन जाएगा, 1 साल लगेगा अभी, बन जाएगा। लेकिन गाइस पीयूष ले आया, ये देखो बंदूक। गाइस देखो ये डलती है इसके अंदर गोल गोल, ये खुल गई, नाइस। अरे वाह ये मस्त चीज है। ये गई मिसाइल। ओहो ये तो गाइस अंधेरा हो चुका है और लाइट जल चुकी है सोसाइटी की, आपको दिखाएंगे अभी। मम्मी सुनो, आपने बम बजाए बचपन में? हाँ बजाए हैं, वही बच्चे थे मुर्गा छाप बजाए हैं। हाँ लगती थी फुलझड़ी। मम्मी जी एक बात बताओ, अब मेरा बम फोड़ने का मन क्यों नहीं करता? अब बड़ा हो गया है तो नहीं यार, मतलब फिर भी यार एक्साइटमेंट ही नहीं है, मतलब बचपना नहीं रहा अब ना। जितना बड़ा होते जाएगा उतना वो खत्म होते जाता है, ये होता है। कहाँ गए वो दिन बचपन के, क्या खतरनाक मजे आते थे बम फोड़ने में यार। तो कह रही हूँ तेरे को, ये देखो एक घर सोसाइटी में क्या मस्त लग रहा है भाई, पूरी येलो लाइटिंग। अगले साल हमारा भी ऐसे लगेगा, अगले साल हमारा ये वाला घर भी ऐसे ही लगेगा, सेम ऐसे ही। देखो अगली दिवाली नए घर में, दिवाली तक तो हो ही जाएगा, हो जाएगा। कोशिश करेंगे ना फटाफट करो करके। जय माता जी, जय माँ, रक्षा करना। गाइस ये देखो हमारा घर भी भाई कम नहीं लग रहा, लग रहा है ना प्यारा। वाओ ये देखो फ्लावर्स में लाइट लगा रखी है यहाँ पे तो। हाँ गाइस आप सभी को जोशी फैमिली की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। तो फाइनली मैंने दिखा दिया आपको सोसाइटी की लाइटिंग पूरी घूम के, तो बताना कैसे लगी आपको। बाकी अभी सभी घरों में लाइट नहीं लगी है, अभी बहुत घरों में लगनी बाकी है, तो फिर उसके बाद तो नेक्स्ट लेवल लगेगा, और नेक्स्ट लेवल। अभी से इतना प्यारा लग रहा है भाई। चलो चलते हैं घर के अंदर, बाहर हो रही है बहुत ठंड, अब ठंड शुरू हो चुकी है। गाइस देखो मम्मी जी यहाँ पे क्या कर रही है, मम्मी जी बना रही है यहाँ पे एप्पल।
कुछ इस तरह का देखो, ये बनाया ना लक्ष्मी जी के पैर, कुछ इस तरह का मम्मी यहाँ बनाएगी पूरा यहाँ पे। फिलहाल अभी मम्मी लाल कर रही है इसको पूरा लाल पेंट से, फिर इसके ऊपर बनेगा। मम्मी जी बनाती है हर बार दिवाली पे, मम्मी यहाँ भी बनाएगी फिर अंदर बनाएगी पूरे पैर घर के अंदर पूरे। ये देखो यहाँ बनाया है ना, इसके ऊपर दोबारा बनाएंगे अब अच्छे से। ये है लास्ट ईयर के, ये देखो यहाँ भी वहाँ भी पूरे अंदर तक। गाइस मैं भी हेल्प कराता मम्मी जी की, बड़े काम सिर्फ मम्मी जी को ही आता है एप्पल बनाना, इसको बोलते हैं एप्पल हमारे पहाड़ी में। इसको बनाने में अराउंड एक दिन लगने वाला है, कल तक मम्मी बना देगी सब अंदर बाहर। रात सूख जाएगा रात को, कल फिर बनाऊंगी। सुबह भी टाइम हो चुका है रात के 10 और डिनर भी हो चुका है, तो चलो करते हैं इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। बताने कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय गाइस, बाय।